जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हैं और इसी नीति के तहत पुलवामा में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को त्राल इलाके के मंडूरा में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली। इसके बाद आनन फानन में पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई और सघन तलाशी अभियान चलाया जाने लगा। आतंकियों को तलाश कर रहे जवानों पर गोलाबारी शुरू हो गई। उसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाई, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। 370 के हटने के बाद से ही कश्मीर में आतंकी महज कुछ हिस्सों में सिमट कर रह गए हैं। उधर केंद्र सरकार ने कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर को खुशखबरी दी है, अब जल्द ही कोरोना वैक्सीन की डोज उन्हें भी दी जाएगी। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। हेल्थ वर्कर्स के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। 1 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू होगा। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी है। वैक्सीनेशन को समय पर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई है। देश भर में 3000 से अधिक स्थलों पर वैक्सीनेशन होगा। हर वैक्सीनेशन पॉइंट पर प्रतिदिन लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। दूसरी तरफ देश भर में हेल्पलाइन नंबर भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी जानकारियां लोगों को दी जा सकें। इधर दिल्ली में आज सुबह का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज दोपहर में धूप खिलेगी, लेकिन शाम होते होते बादल छाने का भी अनुमान। दिल्ली वासियों को आज ठंड और कोहरे से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। सुबह का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है और विजिबिलिटी भी 1000 मीटर के पास है, यानी कि विजिबिलिटी पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली में सुबह के वक्त थोड़ी धूप जरूर खिलेगी, लेकिन दोपहर होते होते दिल्ली में एक बार फिर से बादल छाएंगे। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते के आखिरी दिन और अगले हफ्ते के शुरुआती दिनों में दिल्ली में अच्छी धूप खिलेगी। दिल्ली वासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बुधवार के बाद से दिल्ली में लगातार बारिश है। इस अनुमान से लगता है कि दिल्ली में एक बार ठंड दोबारा से कड़ाके की पड़ेगी और दिल्ली वासियों को ठंड से जल्द राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर